अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नया दिन एक नई रेसिपी के साथ। उम्मीद है आपको हमारी प्रीवियस तमाम रेसिपीज बहुत पसंद आई होंगी। आपने जो ट्राई किया होगा हमें फीडबैक में ज़रूर गाइड कीजिएगा। तो आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो फिरनी, यानी दूध की जो फिरनी बनती है, बहुत मशहूर हमारे ट्रेडिशनल मुगलाई ज़माने के फिरनी मिठास का जो हमारे पास मीठा मीठी मीठी लिपे मीठी मीठी चीज़ें बनती हैं, सेम इसी तरह हम अपने गेस्ट के आने पर भी इसे बनाते हैं। तो आज हम वही फिरनी बनाने वाले हैं, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर जो है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ किसी तरह जुड़ा रहे। फिरनी बनाने के लिए मैं जो तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ उसके लिए सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप मिल्क, 1.5 कप आप ले सकते हैं। मैंने ये एक बड़े साइज़ का मग लिया है, तकरीबन ये मेरे पास बन जाता है नॉर्मल साइज़ का 1.5 कप दूध, ठीक है। और आप इसे ये 2 कप नहीं ले सकते हैं, मैं 2 कप के मुताबिक ले रही हूँ, फैमिली के अकॉर्डिंग करता है। आप इसे 6% के सर्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें फिरनी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, आम बाज़ार से ये पाउडर आपको अवेलेबल हो जाता है, और मैं ये 3 से 4 टेबल स्पून भर कर इस्तेमाल करूँगी। किशमिश का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ड्राई फ्रूट के तौर पर, मुझे किशमिश बेहद पसंद है इसलिए मैं सिर्फ किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके अलावा हम इसमें 1/2 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो शीरा बना रहे चीज़ का या इसको डायरेक्ट इसी तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे इसी तरह इस्तेमाल करूँगी, ये किस तरह से इसमें मुकम्मल यूज़ की जाएगी वीडियो के अंदर ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा खुशबू के लिए सिर्फ जस्ट थोड़ा खुशबू, यानी अच्छे टेस्ट के लिए, अच्छी स्मेल के लिए हम इसके अंदर लौंग जो है हमें पीस कर इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने 4 लौंग लिए हैं जिसमें से भी मैं सिर्फ 2 लौंग इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा हम इन्हें शाही टुकड़े जैसी लुक देने के लिए स्लाइस का इस्तेमाल करेंगे, यानी ब्रेड का। तो चलिए हम अपनी इस ज़बरदस्ती फिरनी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जी जो किशमिश है उसे आप अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पानी में डिप कर दीजिए, नॉर्मल पानी में, रूम टेम्परेचर का पानी होना चाहिए जिसमें आप उसे डिप करेंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी फिरनी जो है उसमें जब आप इसे शामिल करेंगे तो ये नीचे नहीं बैठेगी और बहुत अच्छी से तैयार हो जाएगी। ये हमारा फिरनी पाउडर है जिसे रेडी करने के लिए हमें जो है इसमें पानी का इस्तेमाल करना होगा। मैं तकरीबन 1 ग्लास जो है स्मॉल साइज़ का ले रही हूँ, जिसे आप 1/2 ग्लास कह सकते हैं। इसमें पानी को डालकर हमें रख देना है, हमें इसमें इतना पानी डालना है कि अगर इसके अंदर किसी भी किस्म का लम्स बाकी रह जाता है तो जो पानी है वो इसमें से कुछ देर तक बाकी रह जाए। हमें इसे इतनी देर रखना होगा कि इसका जो लिक्विड रेडी कर रहे हैं, बैटर तैयार कर रहे हैं, वो बिल्कुल किसी कस्टर्ड के थिक बैटर की तरह नीचे रेडी हो जाए और उसका पानी ऊपर जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल आएगा। हम इस तरह से इजीली तमाम लम्स उसमें से रिमूव करना है, अच्छी तरह से इसे बहुत स्मूथ सा एक लिक्विडी बैटर जो है वो तैयार कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। अब मैं इसमें अपना बाकी का जितना पानी है वो भी शामिल कर दूँगी ताकि इसमें से जितना हमें रिक्वायर्ड है वो इसमें शामिल हो जाए और जो हमें इसमें से रिमूव करना है वो हम रिमूव कर सकें। अब आप देख सकते हैं ये तकरीबन एक बड़ा बॉल जो है वो मैंने फिलअप कर लिया है। ये तकरीबन 4 से 3 बड़े चम्मच खाने के मैंने फिरनी पाउडर के इस्तेमाल किए हैं, मार्केट से किसी भी जगह से आपको ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने शाही टुकड़े के जो बिस्किट्स होंगे, जिन्हें हम स्लाइस भी कह सकते हैं, बिस्किट्स भी कह सकते हैं, उन्हें रेडी करेंगे और मैं इन्हें हार्ट शेप में तैयार करूंगी, जिसके लिए मैं एक गोल शेप की कोई भी कैप ले लूँगी, या आपके पास अगर कोई मोल्ड है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन उससे पहले आप इसके कॉर्नर्स जो है उन्हें रिमूव कर लीजिएगा ताकि आप ईजीली उसकी कटिंग कर सकें। इस तरह से आप इसको रिमूव कर लीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। फिरनी जो होती है वो मोस्टली हमें बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल में मिलती हैं, इजी और सादा सिंपल स्टाइल में मैं फिरनी आपके लिए बना रही हूँ, आप इसे इसी तरह से यूज़ कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। मैंने इस तरह से राउंड शेप का एक कैप ले लिया है और उसकी मदद से मैं इन्हें इस तरह से कट कर लूँगी और राउंड शेप में मेरे स्लाइस जो हैं वो कट हो जाएंगे। इस तरह से हम इसे कट कर रहे हैं, इस तरह से मैं इसके कॉर्नर्स जो हैं उन्हें साइड पे रिमूव कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरा एक स्लाइस जो है वो अपने ही रह गया है,
जैसे रिमोट दोबारा निकालना होगा, इस तरह से आप टैप करते हुए इसे निकाल लीजिएगा। एहतियात कीजिएगा, ब्रेड टूट भी सकती है, इसलिए आपको इसे ईजिली बनाए। फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके बिस्किट जो आप उसे में बनाना चाहेंगे वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। हम इन्हें शाही टुकड़ा भी कह सकते हैं, लेकिन शाही टुकड़े को आप शीरे में डिप करते हैं, हम इसे शीरे में डिप नहीं कर रहे हैं, हम इसे डायरेक्ट सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। और मैंने इन्हें हार्ट शेप में कट कर लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम अपने यही शाही टुकड़े हार्ट पर जो है वो तैयार करेंगे। इस तरह किसी भी पैन में आप नॉर्मल जो है कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए, जिसकी अपनी कोई खास खुशबू ना हो। इस तरह से आप उसमें अपने जो ब्रेड आपने हार्ट शेप में कट किए हैं उन्हें फ्राई कर लीजिए। हमें हल्का गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई करना है। स्टेप बाय स्टेप इनके हम दोनों साइड्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद आप इन्हें किसी भी डिश पर अच्छी तरह से ऑयल को ऑब्जर्व करने के लिए निकाल लीजिएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से आपने बहुत हल्की आँच रखनी है, बहुत तेज आँच नहीं रखनी, क्योंकि ये ब्रेड है और ब्रेड में अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ आँच रखेंगे तो वो तेज़ी से जल जाएंगे। और हमें इन्हें जलाना नहीं है, हमें इन्हें हल्का गोल्डन सा बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक देना है, इसलिए हम इसे नॉर्मली इसी तरह से तैयार करेंगे। इस तरह से हमारा ये हल्का हल्का गोल्डन सा कलर जो है वो एक साइड का तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर्स पर कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। हमारी एक साइड जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है, हम इसकी सेकेंड साइड जो है उसे टर्न करते हैं और उसे भी इसी तरह से हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इन्हें रखने का मकसद ये है, आप चाहें तो उसका ही टुकड़े की तरह इसी के ऊपर ही फेरनी जो आप बना लें उसको शामिल कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो आप उसे डिफरेंट साइज से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे सिर्फ जस्ट फॉर अ डेकोरेशन इस्तेमाल किया है और इसे खाने के लिए भी आप यूज़ कीजिए। जाहिर सी बात है अगर हमने इसे बनाया है तो हम इसे खा भी सकते हैं। मैं इसे पिन्नी में डिप नहीं कर रही, जस्ट पिन्नी के ऊपर इसे टॉपिंग पर रखूँगी ताकि हम इसे ईजीली बाद में जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पानी इस तरह से नीचे बैठ जो हमारा बैटन है वो बैठ जाना चाहिए और पानी ऊपर से अलग हो जाए, उस तरह से इसे भी थोड़ा टाइम और इस्तेमाल होगा तब मैं इसका पानी जो है उसे रिमूव कर दूंगी। अभी ये थोड़ी देर और मैं इसी तरह से छोड़ूंगी। इतनी देर में हम अपना दूध जो है उसे अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। दूध को पहले अच्छी तरह से आपने बॉयल कर लेना है, फिर उसके अंदर ये मैंने जो लौंग थे चार उन्हें अच्छी तरह से पीस लिया था और अब मैंने इस उनमें से भी चंद दाने इसमें शामिल किए हैं। साथ ही मैं इसमें हसबे ज़रूरत चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने हाफ कप चीनी ली थी जिसमें से भी मैंने कम चीनी का इस्तेमाल किया है। शुगर का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, वो सेहत के लिए इतनी भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए सिर्फ जायके के तौर पर मिठास का इस्तेमाल किया करें। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ हाफ से भी हाफ कप का चीनी का इस्तेमाल किया है। इस तरह से आप चीनी के गुल्ले तक आप इसे अच्छी तरह से हिलाते रहें ताकि आपकी चीनी जो है वो इसमें पक जाए और हमारा दूध जो है फिरनी के लिए हम उबाल रहे हैं वो अच्छी तरह से तैयार हो सके। हमारा दूध का अच्छी तरह से तैयार होना ज़रूरी है। इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से पका लेंगे, चीनी अच्छी तरह से जब तक बन ना जाए। अगर आपने इसमें शीरा डाला हुआ है तो आप उसे बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे तकरीबन फिरनी पाउडर डालने से पहले, लेकिन अगर आप इस तरह चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे पहले अच्छी तरह से इसमें घुलने दीजिए, देन उसके बाद ही आप इसमें फिरनी पाउडर डालिएगा, क्योंकि फिरनी पाउडर डालते ही आपका बिल्कुल कस्टर्ड की तरह ये गाढ़ा सा रेडी हो जाएगा और चीनी जो है वो साबुत रह जाएगी अगर आपने उसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स नहीं किया। क्योंकि अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी एक सब्ज इलायची के दो पीस। दो अदर आपने सब्ज इलायची इसमें इस तरह से खोल कर शामिल करनी है। आप चाहें तो इसे पीस के भी शामिल कर सकते हैं, मैं इसे खोल कर शामिल कर रही हूँ। मुझे इस तरह इसका ज़्यादा टेस्ट आता है, अक्सर लोग पसंद नहीं करते कि उनके बाइक में या बाउल में इस तरह से सब मिर्च सब इलायची जो है माजरत के साथ वो आता है, तो हम इस तरह से साबुत इसे डालेंगे ताकि इजीली हम इसे बाद में रिमूव कर सकें। हमें जस्ट इसका टेस्ट और अरोमा देना है। आप चाहें तो फिरनी में ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि घर की चीज़ों से हमने चीज़ें बनानी है तो घर में हर किसी के पास ज़ाफ़रान अवेलेबल नहीं होता। तो आप ये देख सकते हैं अब इसमें से ये पानी जो है वो मैं रिमूव कर दूँगी और सिर्फ जो हमारे पास गाढ़ा सा स्ट्रक्चर रह जाएगा मावा, हम सिर्फ उसका इस्तेमाल करेंगे।
डालने से पहले आप एक दफ़ा अच्छी तरह से चम्मच हिला दीजिए। आँच बहुत हल्की आपने रखनी है जिसके ऊपर आपने इसे शामिल करना है। आप ये देख सकते हैं इस तरह से थिक सा आपने बैटर इसमें रेडी करना है। मैंने एक्स्ट्रा सारा पानी जो है वो रिमूव कर दिया हुआ है। अगर आपको इन स्पून के हिसाब से दूध के ज़्यादा, अगर आपका दूध ज़्यादा है और आपको उस हिसाब से ज़रूरत पड़े तो आप और भी बैटर को रेडी कर सकते हैं, लेकिन उसे भी आपको उसी तरह से रेडी करना होगा। इससे इस तरह आपका जो कस्टर्ड है या आपकी जो पिनी है वो बहुत बेहतरीन तैयार हो जाएगी। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और हमारा पिनी का जो स्ट्रक्चर है वो हमें शो होना स्टार्ट हो जाए। उसके लिए हमें इसे थोड़ी देर पकाना होगा। उससे पहले इस स्टेज पर हम अपनी जो किशमिश हमने डिप की थी पानी में, उसे पानी से रिमूव करने के बाद इसमें डालेंगे ताकि वो अच्छी तरह से इसमें पक जाए और पक कर फूले। और जब वो फूलेगी तो डेफिनेटली वन बाइट के अंदर आपको वो इतनी ज़बरदस्त टेस्ट देगी, आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो जिनको तो किशमिश बहुत पसंद है वो ज़रूर उसको इस तरह से इस्तेमाल करें। आप क्या ही याद करेंगे कि आपको कितना मज़ा आया है इस तरह। अब हम इसे अच्छी तरह से इसे पकड़ने छोड़ देते हैं। मैं इसे अच्छी तरह से फैला दूँगी ताकि हमारी किशमिश जो है वो दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो सके। हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। गाढ़ा जब इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा देन हम इसे अच्छी तरह से बॉल में ठंडा होने के बाद पोर कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं मेरी पिन्नी जो है वो तैयार हो चुकी है। लगभग इसे मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाया है और हमारी पिन्नी जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं मैंने पिन्नी को बॉल में सेट कर लिया है। इस तरह से आप इसकी टॉपिंग कर लीजिए, चाहे तो बादाम की टॉपिंग कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। तो अपना और अपने रहने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में ज़रूर दीजिएगा। इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। वो लोग जो डेली बेसिस पर मेरी रेसिपीज़ देखते हैं और मेरे मंच में ज़रूर बताते हैं, उनका बेहद शुक्रिया कि वो मुझे इतना प्यार देते हैं। उम्मीद है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।